वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। चेहरों से दाढ़ियां मुंडाने वालों, अगर इसी हालत में मौत आ गई तो रब को क्या मुंह दिखाओगे। कानों में एयरफोन लगा करके गाने सुनने वालों, अगर उसी हालत में मौत आ गई अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे। अल्लाह अकबर, किसी लड़की की बगल में और उसकी बाहों में हाथ डाल करके जन्नत के मजे लूटने की बातें करने वालों, जरा सोचो तो सही, उसी हालत में मौत आ गई तो रब को क्या मुंह दिखाओगे। अल्लाह अकबर, ये मेरे रसूल की फिक्र है। दरिया के किनारे इस्तिंजा करते लेकिन ढेला इस्तेमाल करके दरिया के पास पानी इस्तेमाल करने आते। किसी सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप दरिया के किनारे इस्तिंजा करते हैं और आप दरिया के पास नहीं आते पानी लेने, उस वक्त तक जब तक कि आप ढेला ना ले लें। आप ढेला लेने के बाद फिर पानी लेने के लिए आते हैं, बगैर ढेले के भी तो आप पानी ले सकते हैं। दो कदम पे दरिया है, मेरे गैब दा नबी फरमाते हैं, क्योंकि कानून देने आए थे, जिंदगी गुजारने का सलीका देने आए थे। लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, उनकी जिंदगी हमारे लिए उस्वा है। तो आका फरमाते हैं, दो कदम पर पानी है फिर भी इसलिए ढेला लेता हूँ कि मौत का कोई भरोसा नहीं, मुझे डर लगता है इस्तिंजा करके दरिया तक जाऊं और रस्ते में मौत आ जाए तो बगैर तहारत के मौत आएगी, और जो जिस हालत में मरेगा उसी हालत में उठाया जाएगा। मैं अपने अल्लाह की बारगाह में इस हालत में नहीं जाना चाहता। हालांकि हुजूर को मौत का वक्त बताया गया है, लेकिन ये उम्मत को तालीम के लिए, उम्मत को फिक्र देने के लिए, जरा सोचो तो सही, हुजूर अलैहिस्सलाम इस्तिंजा करके दो कदम न चले बगैर ढेले के, और यहाँ तो हाल ये है। अल्लाह अकबर, अपनी रातों को हम खूब जानते हैं, कोई जाने न जाने, हम अपनी रातों को खूब जानते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जरा ये भी बात दिल के कानों से सुन लें। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, अल्लाह के हबीब ने फरमाया, मेरी उम्मत पर एक वक्त ऐसा आएगा लोगों के जिस्म मुत्तकी होंगे। ये खास तौर पे सुनो, नमाज के वक्त मस्जिद की तरफ दौड़ने वालों, हाथों में तस्बीह लेकर बैठने वालों, चेहरों पे दाढ़ियां सजाने वालों, खूबसूरत टोपियां पहनने वालों, इस पर खुशमत हो जाना कि मुझे देख करके मैं वली दिखता हूं। इसका कोई तसव्वुर नहीं है इस्लाम में कि जाहिर सौरा हो और बातिन गंदा हो। मेरे आका फरमाते हैं, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, इन्नल्लाह ला यंजुरो इला सुवारिकुम व इला अमवालिकुम वलाकिन यंजुरो इला कुलूबिकुम। अल्लाह ना तुम्हारे चेहरे देखता है, ना तुम्हारे अमवाल देखता है, ना माल देखता है, ना चेहरे देखता है, वो तो तुम्हारा दिल देखता है। तो आकाए करीम ने फरमाया, करीब कयामत मेरी उम्मत का हाल ये होगा, जिस्म मुत्तकी होंगे और दिल फासिक होंगे, ऐसे लोग जन्नत की खुशबू भी न सूंघेंगे। जब ये फरमान पढ़ो तो दिल लरस जाता है, कहीं हम लोग उसी में तो नहीं, जिस्म इतने मुत्तकी नजर आते हैं कि लोग क्या से क्या तसव्वुर करते हैं। मुसलमानों गौर करो, जिनको रसूल पाक ने जन्नत की बशारतें दी, जिनके घोड़ों की टाप से लगी हुई धूल की कसम कुरान ने याद की, वो लोग रोते थे ये कह के, अल्लाह कहीं मैं मुनाफिक तो नहीं हो गया। हुजूर से पूछते थे, या रसूल अल्लाह कहीं हम मुनाफिक तो नहीं हो गए। हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद हुज़ैफा अल यमान से फारूक आजम हर बार पूछते थे, हुज़ैफा तुझे हुजूर ने तमाम मुनाफिकीन के नाम बताए हैं, अल्लाह की कसम दे के कहता हूँ, बोल मेरा नाम मुनाफिकों में तो नहीं। वो उमर जिसका जिक्र तौरात में, जिसका जिक्र इंजील में, जिसका जिक्र कुरान में कुफार के हवाले से है, जिसका जिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यूं किया कि हबीब तेरे लिए अल्लाह काफी है और वो मोमिनीन जो तेरी इत्तबा करें। ये फारूक आजम के ईमान लाने के बाद कुरान ने कहा, बेशक जिसकी राय की ताईद में कुरान की 22 आयतें नाज़िल हों, सुभान अल्लाह, वो उमर इब्ने खत्ताब जिसका होलिया अल्लाह ने तौरात में बयान किया हो, वक्त नहीं है यहाँ जिसका जिक्र किया जाए। फारूक आजम की शान ये है कि तौरात में उनका होलिया है, इशारा सिर्फ दे रहा हूँ वाकया नहीं। जिस वक्त बैतुल मक़दिस पहली बार फतेह हुआ तो उस वक्त दीवार पे चढ़ के एक बुड्ढा राइब कहता है कि तुम्हारा मुसलमानों का जो अमीर है उसको लाओ, हम चाबियां दे देंगे। तो लोगों ने अबू उबैदा इब्नुल जर्राह को सामने खड़ा किया, तो उसने औराक देखे और चेहरा देखा, कहा हम नहीं देते चाबी।
कहा आपने तो कहा था चाबी देने का, फिर क्यों नहीं देते? तो उस वक्त उस बुड्ढे राहिब ने कहा, तौरात को मानूं कि तुझे मानूं? क्योंकि तौरात में जिसका हुलिया है मुसलमानों के अमीर के हिसाब से वो नहीं है। तब साहबा मुस्कुराने लगे, ये मुसलमानों का अमीर मांग रहा है और हमने लश्कर का अमीर पेश कर दिया है। तो तब मोमिनों के अमीर को बुलाया गया, और जब हजरत फारूक आजम आए तो आने का अंदाज भी कुछ और था, लेकिन उसका जिक्र यहाँ नहीं करने की यहाँ टाइम ही नहीं है, इसलिए कि गट्टी खुलती जाती है और बात जो है वो बिखरती जाती है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना।